नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आप जो बोर्ड देख रहे हैं, साइंस कॉलेज पटना का है। कभी देश दुनिया का सबसे नामी गिरामी कॉलेज हुआ करता था, आज इसकी हालत क्या है आपको पता है। लेकिन आज मैं यहां पर कुछ विशेष कारणों से हूं, क्योंकि आज यहां से छात्र संघ के कुछ नौजवान जामिया की तर्ज पर NRC और कैप का विरोध करने वाले हैं। तो आपको पता है कि दिल्ली में कितना हंगामा हुआ है, जामिया के छात्रों ने किस तरह से बवाल और गदर काटा है, पुलिस के साथ कैसे हिंसा झड़प हुई है उनकी। उस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस यहाँ पहले से अलर्ट है। देखिए, पटना साइंस कॉलेज के गेट पर पुलिस वाले अलर्ट हैं और पूरी तैयारी है कि गेट के बाहर निकलने नहीं देना है। यानी छात्र यहाँ से निकलेंगे कैब और NRC के विरोध के लिए सड़क पर, और ऐलान है इनका कि मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। तो कॉलेज के गेट से बाहर निकलने देने के लिए ही पुलिस तैयार नहीं है। यानी पुलिस की योजना है कि गेट के बाहर निकलने ही नहीं देना है। अभी यहाँ पर बिल्कुल लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई प्रदर्शन होने वाला है, कोई हंगामा होने वाला है। और जामिया में भी ऐसा ही था, पता नहीं चला, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना हिंसक माहौल कायम हो जाएगा। लेकिन जो हुआ आपने देखा, देश ने देखा। पटना साइंस कॉलेज की नज़ारा देखिए, तस्वीर। यहाँ पर जो निजी सुरक्षाकर्मी हैं कॉलेज के, वो हैं और पुलिस वाले हैं। छात्र बहुत कम नज़र आ रहे हैं। देखिए, लगता है छात्रों का एक जत्था उधर है जो शायद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से घबराकर अपनी रणनीति बदलने वाला है। तो छात्र यहाँ पर हैं, आपस में मसौदा कर रहे हैं कि भाई अब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपने आंदोलन को कैसे सड़क पर पहुँचाना है। क्योंकि पुलिस तो गेट पर तैनात है और सड़क पर उतरने देने को तैयार ही नहीं है। पुलिस कैंपस में भी तैनात है, यानी पूरी निगरानी रखी जा रही है कि छात्र यहां से निकलें तो कोई हंगामा नहीं हो। पहले भी छात्र इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। 2 दिन पहले भी काफ़ी लाठी चार्ज हुआ था जिसमें छात्र घायल भी हुए थे, उसका विरोध भी बहुत हुआ था। और आज भी छात्रों ने कैब और NRC को लेकर के विरोध मार्च करने का ऐलान किया है और ये मुख्यमंत्री आवास तक जाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अभी तो कॉलेज के गेट से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कॉलेज गेट पर, कॉलेज कैंपस में फैली हुई है और उसकी पूरी तैयारी है छात्रों को यहीं रोक देने की। तो देखिए, जो छात्र नेता हैं, छात्र हैं, यहाँ पर अपने रणनीति बदलने पर विचार कर रहे हैं कि कैसे सड़क पर उतरना है, कैसे सड़क तक पहुंचना है। क्योंकि भाई ऐलान तो हो चुका है मार्च करने का, उसको अंजाम देना है। तो छात्र यहां पर रणनीति अपना बना रहे हैं। क्या आज क्या है आप लोगों का कार्यक्रम? हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकालने का तय किया था। और आप जानते हैं कि जामिया के अंदर में जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज हुआ है और वहाँ एक छात्र की मौत हुई है और लगातार आपका वहाँ घटनाएं बढ़ रही है। AMU के अंदर में भी रात में गर्ल्स हॉस्टल के अंदर में पुलिस घुसी है और जिस तरीके से बर्बर कार्रवाई चल रही है उसी के खिलाफ हम लोग का एक प्रतिरोध मार्च था। और आप जानते हैं कि आज निर्भया कांड की एक बरसी भी है, तो महिलाओं के साथ जो हिंसा घट रही है, साथ ही साथ कैब जो अब CA जब बन गया है, तो उसके खिलाफ में हम लोगों का एक प्रोटेस्ट मार्च था। हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। पुलिस की तैयारी ऐसी है कि आपको बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा? पुलिस की जो तैयारी है, पुलिस अपना काम करेगी और हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें। क्या आप लोग अपना काम कर पाएंगे पुलिस इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच? देखिए, हम लोग का कई प्रोग्राम चल रहा है। एक महिला का साथी सुशील जी बोल भी रहे थे, अभी संयुक्त महिला फ्रंट का अभी गांधी मैदान में पूरे दिन भर का एक नुक्कड़ सभा और उपवास है, वहाँ बैठ करके सब लोग धरना दे रहे हैं। कल बर्बर लाठी चार्ज हुआ है, उसमें कई हम लोग में से छात्र नेता को चिन्हित किया गया है, पुलिस उनको ढूंढ भी रही है। इसको लेकर के हम लोग मूंछ की लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम लोग अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। ठीक से हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए छात्रों के बीच, क्योंकि कई जगह इसका प्रोटेस्ट चल रहा है और हर जगह हम लोग हैं। तो साइंस कॉलेज तो यहाँ मुट्ठी भर छात्र दिख रहे हैं, कैसे आप पुलिस को चकमा दे पाइए? हाँ, देखिए, अभी हम पुलिस को चकमा नहीं देना चाहते हैं, हम उनको बताना ये चाहते हैं कि हम, देखिए, आपके लाठी से और आप कल जो फायरिंग किए हैं उससे हम लोग डरे नहीं हैं, बल्कि हम लोग मूंछ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम लोग फिर से थोड़ा पीछे हट करके अपनी ताकत को मजबूत करके
फिर हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे, एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, उसका तैयारी हम लोग। देखिए पुलिस तैयार है इनको रोकने के लिए और ये तैयारी कर रहे हैं सड़क पर उतरने के लिए, तो इनका विरोध है कई मुद्दों को लेकर, एनआरसी को लेकर, कैब को लेकर और जामिया के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर। तो क्या छात्रों को डर नहीं लगता है कि जामिया जैसा यहाँ भी लाठीचार्ज हो जाएगा? हमें जामिया जैसा लाठीचार्ज है उसकी डर नहीं है, हमें न्याय चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कल जो घटना घटी है कारगिल चौक पे वो बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हैं जिस तरीके से पुलिस वाले लाठीचार्ज किए थे वो बिल्कुल सही तरीका उनका नहीं था, ठीक है। गोल फायरिंग तक किया गया, उसी से आप देख सकते हैं अभी जितने पुलिस वाले हैं मुठ्ठी भर हम लोगों के लिए इतने पुलिस वाले आ चुके हैं। क्या पुलिस वालों से क्या बात कर रही है? यही बात कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर्स है, और जामिया में जिस तरीके से निहत्थे स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस जा करके हमला करती है, बर्बर तरीके से लाठी चार्ज करती है, तो अपने आप में वही बातचीत हो रही है। आप लोगों को ऑर्डर्स क्या है, ये भी तो अपना मतलब ड्यूटी करते हैं, इनको जो ऑर्डर मिलते हैं, जो सरकार ऑर्डर देगी वही ये लोग तो ड्यूटी। जामिया वाली स्थिति यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ तो बड़ा प्रेम सद्भाव दिख रहा है पुलिस और छात्रों के। वो तो जब हम लोग चेंज हो जाएगा, जैसे ही हम लोग जाएंगे ना थोड़ा देर बाद पूरे विरोध में आ जाएंगे, पूरा मारेंगे, वो होता है जब। आपको क्या लगता है कि अभी तो दोस्त हैं, दोस्त दिख रहे हैं, जब सड़क पर उतरिएगा तो दुश्मन बन जाएंगे? बात दुश्मन की नहीं है, देखिए पुलिस के भी साथ बहुत अत्याचार होते हैं, हमें भी पता है किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है ना, और आने वाले समय में ये भी कई हमारे साथ खड़े होंगे, आने वाले समय ऐसा है कि इनको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि छात्राएं कितनी आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि आज जो पुलिस उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाती है, एक समय आएगा जब उनके साथ खड़ी हो जाएगी, और ये तो बहुत बड़ी बात है, देखिए क्या होगा। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि ये पटना का साइंस कॉलेज परिसर है जहां से जुलूस निकलना है, और यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान अधिकारी तैनात हैं, छात्रों से ज़्यादा पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। तो पता नहीं कि ये मार्च निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक दिन पहले ऐसा ही मार्च निकला था और वो हिंसक भी हो गया था, पुलिस ने लाठी चार्ज भी कर दिया था, उसमें कई छात्र घायल भी हुए थे, अभी कई छात्रों की तलाश भी पुलिस कर रही है, तो शायद उस वजह से भी छात्र यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। 11 बजे ये मार्च शुरू होना था, 12:30 बजने वाला है, अभी तक जो तस्वीर है यही है, मैं दिखा दूँ, कहूँ शुक्ला जी हमारे सहयोगी हैं कि आप एक बार दिखाइए कि क्या तस्वीर है पटना साइंस कॉलेज की। आप देखिए इधर छात्र मसौदा तैयार कर रहे हैं कि कैसे रणनीति बदलनी है, कैसे अपने जुलूस के ऐलान को सफल बनाना है। दूसरी तरफ देखिए ये मैदान है जहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ छात्र, तो यहां खेल चल रहा है, इधर बड़े खेल की तैयारी चल रही है, और इधर पुलिस उस खेल को रोकने के लिए यहाँ पर तैनात है। तो अभी तो माहौल दोस्ताना दिख रहा है, लेकिन जैसे ही छात्र आक्रोशित होंगे, जैसे ही छात्र प्रदर्शन करेंगे, पुलिस जो अभी दोस्त नज़र आ रही है, शांत नज़र आ रही है, वो भी गरमाएगी, और जब दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ हुआ दिल्ली में वो तो डराने वाला है। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।